आज पहुंच गया है आपके और हमारे बहुत ही प्यारे फ्लर्टेशियस तिवारी जी यानी कि रोहित कौर के घर। आज है मॉनसून मॉर्निंग, काफी बारिश भी हो रही है और ऐसे में हमारे तिवारी जी घर में चिल कर रहे हैं, तो आइए उनके साथ करते हैं एक खास मुलाकात। हेलो सर। आप लोग यहाँ मतलब जी, हमने सोचा यू नो आज मॉनसून मॉर्निंग है, बारिश भी काफी हो रही है, तो थोड़ा यू नो आपके साथ बातचीत की जाए, खास मुलाकात की जाए यूमियो टीवी के ऑडियंस के। मुझे बड़ा सरप्राइज दे दिया आज, नहीं सवेरे सवेरे जी, तो चलिए प्लीज वेलकम वेलकम, आइए प्लीज आइए बैठिए, ये हमारा घर है। पहले हम अपने ड्राइंग रूम से शुरू करते हैं, आपका सादर आमंत्रण है, आइए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ना मॉनसून मॉर्निंग है और आप आज घर पर यू नो चिल कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है घर पर यू नो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम बिताना, कितना एंजॉय कर रहे हैं? नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, खासकर मतलब जब आप पूरा महीना काम कर रहे हो, ऐसे में आपको अगर पूरे महीने में दो एक छुट्टियां भी मिल जाए तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब बस अब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ, मस्ती करो, घूमो और कुछ मत देखो, सिर्फ घूमो और मस्ती करो। राइट, ओके, यू नो बच्चों की काफी डिमांड होती होंगी छुट्टी के दिन, कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्या क्या कुछ शेड्यूल होता है? अगर छुट्टी मिल गई आपको तो क्या शेड्यूल रहता है? काफी होता है बाहर जाके मस्ती की जाए, कहीं के किसी जगह जाया जाए, या फिर कोई अच्छी फिल्म अगर लगी हो तो वो जरूर देखी जाए, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन का भी हिस्सा है और हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो है उससे जुड़े रहें। राइट, यू नो प्रोफेशन की बात की आपने, एक्टिंग तो आप करते ही हैं, दर्शकों को बता दें रोहित सर जो है बहुत ज्यादा यू नो एक्टिंग प्रमोशन, ड्रामा का प्रमोशन और ड्रामा आर्ट्स का प्रमोशन में बिलीव करते हैं, सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे? जी नेचुरली, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो थिएटर की रही है, मेरा पूरा परिवार जो है रंगमंच से संबंधित रहा है, तो मतलब बचपन से ही अगर आप ये कहें कि मेरे खून में थिएटर है, रंगमंच मेरे खून में है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राइट, शिमला में भी जो हर साल यू नो आपका एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं क्या है उसके बारे में अगर जानें। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो मेरे फादर ने 1955 में शुरू किया था, और फेमस एक्टर बलराज साहनी जो कि शिमला के ही थे, बलराज साहनी, मदन पुरी और प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मिलकर ये शुरू किया था शिमला में, जो आज भी चल रहा है। इसके तहत हम ड्रामा डांस फेस्टिवल्स करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो शिमला का ये जो ड्रामा फर्स्ट फेस्टिवल होता है ये इंडिया का सबसे पुराना है, सबसे पुराना, तो इसमें लगभग 400-500 कलाकार आते हैं, तो इस बार ये 63rd था। तो मैं और मेरी वाइफ रेखा अब इसे संभालते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा इवेंट हिमाचल प्रदेश का बन गया है, तो इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में थिएटर आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, डांस के छोटे छोटे बच्चों को और सीनियर लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं, इसे एक बहुत बड़ा स्टेज है उन लोगों के लिए। ये तो रही काम की बात, हम यू नो आपके घर पर पहली बार आए हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आपके घर का यू नो एक नज़ारा देखने मिले। जी एक छोटा सा प्यारा सा घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो आप ये चीज देख लीजिए कि ये मेरा एक छोटा सा ड्राइंग रूम है, और यहाँ पर हमने बुद्ध की प्रतिमा लगाई है। बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगाई है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में जो है बौद्धिक शांति रहे। बौद्धिक शांति बहुत जरूरी है, शांति है, पीस है, तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ से शुरुआत करके अब हम उस तरफ चलेंगे, ठीक है? तो मैं ये माइक बूम जो है ये मैं आपको सौंपती हूँ, आप आज हमें अपने घर का एक नज़ारा दिखाइए। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ये हमारे कुछ अवार्ड्स देखें जो हमें समय समय पर टेलीविजन के लिए मिलते रहे हैं, तो ये जो है हमारे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड है, ये लगभग 3-4 बार मुझे मिला है, ये टेली अवार्ड है ये 2 बार मिला है, और ये हम एक सीरियल किया करते थे लापतागंज, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, ये उसका अवार्ड है। फिर आपने देखा होगा कि आजकल हमारे भाभी जी घर पर है कि चिप्स भी आने लगे हैं, आपने देखा होगा कि सही पकड़े हैं, ये देखिए मतलब छोटे छोटे उस पर जो है ये चीज़ आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जिसका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, और वो है ये दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। दादा साहब फाल्के हमारे फिल्म के परम पिता रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जो शुरुआत है, फिल्म इंडस्ट्री के की शुरुआत सब कुछ जो है दादा साहब फाल्के से शुरू होती है। ये फिल्म फाउंडेशन अवार्ड जो हाल ही में हमें भाभी जी घर पर अकेले मिला है, मेरे लिए इसकी बहुत बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मैं इनके चरणों में वंदन करता हूँ। ये है हमारी एक छोटी सी किचन है, जहाँ पर हम अपना
खाना बनाते हैं। खाना अमूमन सवेरे सवेरे मैं भी बना लेता हूँ, कभी कभी जो है वो मेरी बड़ी बिटिया बनाती है। ब्रेकफास्ट मैं अमूमन खुद ही बना लेता हूँ, और मैं अंडे की भुजिया ये सब बहुत अच्छी बनाता हूँ, और मुझे खाने पीने का भी बहुत शौक है, और मैं प्योरली नॉन वेजिटेरियन हूँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन हूँ। ये जो है हमारे ये बच्चों का कमरा है, इसमें हमने जो है वो ये जब बच्चे छोटे थे वो तब से जो है उनके पूरे खिलौनों को हमने जो है एक तरफ रखा हुआ है, पूरे वो जो खिलौने झांकते हुए से दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसका जो हमने वो किया है वो पिंक किया है, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है वो पिंक कलर बहुत पसंद है, तो पिंक शेड हमने इसमें लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि पिंक जो है एक तरह से बड़ी कोमलता का एक बहुत सॉफ्ट उसका प्रतीक होता है, तो ये जो है मैंने वो किया है खासकर। ये हमारा छोटा सा, मतलब अगर आप कहें कि ये घर था तो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अब हम बैठते हैं, बाकी की बातें आरंभ करते तो हैं। यहाँ पे वो ये वॉल पे जो हम देख रहे हैं जी उसके हाँ, बारे में ये बताना देखिए, हाँ चाहेंगे। ये मैं बताना आपको भूल गया था, ये इस वॉल की एक खास अहमियत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओम का निशान है। आपको पता है ओम का दर्शन जो है वो सूर्य के दर्शन से गिना गया है, और अभी नासा ने भी प्रूव किया है कि ओम का उच्चारण जो है वो सूर्य ग्रह पर होता है बाकायदा। वहाँ का जो पूरी जो वेव्स निकलती हैं, जो आग का है वो ओम ओम की आवाज़ करता है, ओम, ये साउंड वहाँ होती है, तो ये ओम का है। ये हमारा जो है वो कोलाज जैसा मैंने बनाया है। ये जो जो भी भूमिकाएं हमने आरंभ में की थी, मैं विनय आप्टे का सीरियल करता था छत्रपति शिवाजी, तो उसमें शिवाजी का रोल अदा किया करता था। ये जो है वो संजय खान के सीरियल माइथो भी हमने बहुत सारे किए। ये राज बब्बर का सीरियल था काश्मीर पर बेस्ड, बुलबुल बाग, वो बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे DD1 के सर्कल में। तो ये हमने एक छोटा सा अपना एक कोलाज जैसा बनाया है। अभी मैंने आपको अपने घर के दर्शन कराए थे, अब घरवाली के करा देता हूँ। ये रेखा है, और रेखा मेरी धर्म पत्नी है, और धर्म स्ट्रेस पत्नी पे मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि ये धर्म पत्नी है। तो और सेट पे है फिर, वो क्या है जो सेट पे है वो क्या है? वो तो मतलब एक काल्पनिक पत्नी है। आपसे जाना चाहेंगे, यू नो हमने शो में तो देखे कि मनमोहन तिवारी कैसे हस्बैंड है रियल लाइफ में, रोहित जी कैसे हस्बैंड है, थोड़ा सा कर रहा हूँ। नहीं, रियल लाइफ में तो देखा ही होगा आपने, मैं डांट रही थी मत करो मत करो, और फिर भी वो करे जा रहे थे। तो एक्चुअली बट वो नहीं, वो क्या छिछोरापंती जो बोलते हैं वो इनमें नहीं है, एटलीस्ट मुझे दिखा नहीं कभी। अब मेरे पीछे क्या हो रहा है आई रियली डोंट नो, लेकिन नहीं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। एंड मुझे ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है, तो ऑल भाभियाँ वो वैसे बिल्कुल नहीं है, तो डोंट वेट अप फॉर अ चांस कि वो आपको छेड़ेंगे कभी आके, इट विल नेवर हैपन। सेकेंड थिंग इज, हाँ शो में अगर ये करते हैं तो मुझे कैसा लगता है? आई वुड से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस शो में भाभी को छेड़ते हैं या जो भी करते हैं, क्योंकि इनको बकायदा प्रोड्यूसर इनके पैसे देती है, तो थैंक्स फॉर दैट। और मैं तो कहती हूँ मनोज जी आप ऐसे और लिखिए इनके बारे में, ताकि हो सके कि इनका पर डे और बढ़ जाए, आई एल बी वेरी हैप्पी, एंड देन वी कैन वॉच मूवी एंड इन शॉप। मतलब इन्हें कुल मिला के पैसे से मतलब है, पैसे नहीं, आने चाहिए बस। टुवर्ड्स एंड देखो शाम को घर पे तो आ ही रहे हैं, जिस दिन शाम को घर पर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो ऐसा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें झेलना इतना आसान नहीं है। ऑल भाभियां जो देख रही हैं, आपको लगता होगा मनमोहन तिवारी बेचारे प्यारे से हैं, बिलीव मी अगर लगता है तो एक दिन के लिए उधार ले जाकर देखिए, आप छोड़ जाएंगे वापस से। तो रोहित सर के साथ बातों का सिलसिला जारी है, जानना चाहेंगे यू नो लाइफ में इंस्पिरेशन किससे मिलती है आपको, इतना यू नो इतना साल आपने कॉमेडी किया है, और बच्चों को भी जानना चाहेंगे इंस्पायर किससे होते हैं, किससे मोटिवेटेड रहते हैं सर? देखिए अगर मैं बचपन से बात करूं तो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का रहा है, मेरे मतलब संस्कार में थिएटर रहा है, तो मेरे पापा सुदर्शन गौड़ और मेरी मदर आशा गौड़ से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। खासकर मम्मी से बहुत इंस्पायर्ड इसलिए रहा क्योंकि उनका सानिध्य मुझे बहुत ज़्यादा मिला। वो नागपुर में बहुत अच्छा स्टेज किया करती थी और रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट की मेरे पापा को, शिमला आकर अपना पूरा थिएटर का बैकग्राउंड बेचारे ने पीछे छोड़ा। और हाँ, उसके बाद दो बच्चों से कालका में एक स्कूल शुरू किया जो आज हाई स्कूल है 10th का, और वो अपनी अब जो एक्टिंग का कीड़ा है वो बच्चों में निकालती है।
चिल्ड्रन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती, छोटे छोटे नाटक करवाती हैं बेचारी, बहुत अच्छे नाटक करवाती हैं, उनसे बहुत प्रभावित, उनके पॉजिटिव नेचर से बहुत प्रभावित, उन्हें गुस्सा नहीं आता बेचारी, कोई कुछ कहे कैसा कहे, वो बड़ी पॉजिटिव रहती हैं। तो वो चीज़ मैंने उनसे आत्मसात करने की कोशिश की और ये चीज़ मुझे फिल्म लाइन में काफ़ी मतलब मुझे हेल्पफुल हुई वो चीज़ कि किसी तरह से आप पॉजिटिव रहें, हर स्थिति से पॉप अप करने की कोशिश करें और उसको एक आउटसाइडर बनकर देखें, आउटसाइडर मतलब एज पे खड़े होकर ऐसे देखें तीसरी नज़र से, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा ये है, ये मम्मी से सीखा मैंने। तो यू नो ये मुलाकात, मुझे तो बहुत मजा आया आप सबकी यू नो किस्से कहानियां पुरानी बातें जानकर। जी आपको कितना मजा आया हमारे साथ ये मुलाकात, बेहतरीन मुलाकात रही। नहीं हम घंटों जो है वो स्टेशन पर बैठे रहते थे, गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन पे ट्रेन मिस किया करते थे और चाय पीते रहते थे, फिर थोड़ी सी बच गई वो ट्रेन मिस हो गई, चलो अभी जाने दो, फिर एक कटिंग और ले लेते, एक कटिंग ले ली, फिर वो पीने में घंटों लगा दिए। एक्चुअली वो हमें ना एक स्टोरी हमारी होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, वो हम चाहते हैं कि हम वो मोमेंट रिवाइव करें विद द किड्स देयर, हम जाएं स्टेशन पे उस तरह बैठे और ट्रेन मिस करें, एंड आई वांट टू लिव दैट लाइफ अगेन। जी खैर E24 से बात करके बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ, तो थैंक यू E24, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। ठीक है चलिए इनका वक्त और हम नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ अक्षाक बानी सिद्दीकी, E24 मुंबई।